मुगल गार्डन का नाम अब बदल दिया गया है और अब मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है। 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमृत उद्यान खुला रहेगा, यानी कि वही अमृत उद्यान जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाएगा। इसको लेकर जानकारी ये कि 31 जनवरी से 26 मार्च तक ये खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन, जिसका नाम अब बदल दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलने के बाद इसके खुले रहने की क्या तारीख होगी, उसको लेकर भी तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन गार्डन विच विल नाउ ऑनवर्ड्स बी कलेक्टिवली नोन एज अमृत उद्यान आर बीइंग ओपन टुमारो बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड दे विल बी ओपन दिस टाइम फॉर 2 मंथ्स फॉर द जनरल पब्लिक फ्रॉम 31 जनवरी टू 26 मार्च। उसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ दिन रखे हैं 28 मार्च से लेकर 31 मार्च, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज जैसे फार्मर्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, विमेन हैं, उनके लिए एक एक दिन निश्चित किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस टाइम इन आर मेन अट्रैक्शंस वन इज दैट वी हैव 12 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्यूलिप्स एंड दिस व्हिच यू कैन सी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विनय, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का इतिहास रहा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं ऐसे कई नाम जो बदले गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो राजपथ, जिसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया, 26 जनवरी की शुरुआत वहां से हुई, अब मुगल गार्डन का नाम भी बदला गया। इस बदले नाम के पीछे की क्या वजह, पूरा अपडेट विनय। देखिए, बिल्कुल बदला हुआ नाम अमृत उद्यान, अब चूंकि मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा और इसके पीछे सरकार ये तर्क दे रही है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है और उसी की तर्ज पे अब अमृत महोत्सव की तर्ज पे ही अमृत उद्यान नाम रखा गया है। और चूंकि 31 जनवरी से सभी खुल रहा है आम पब्लिक के लिए और राष्ट्रपति भवन में ये स्थित है और 26 मार्च तक ये जनता के लिए खुला रहेगा। अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है हर जगह और इसी के तहत इसी को एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान रखा गया है। मुगल गार्डन आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में है ही और साथ ही साथ चूंकि इसको साल में सिर्फ इसी समय खोला जाता है, 31 जनवरी से 26 मार्च तक के लिए खुला रहता है और इसमें कई तरह के अलग अलग खूबसूरत फूल के आनंद ले सकते हैं, कई अलग तरह के पेड़ हैं। इसमें बताया जाता है कि इस तरह के पेड़ हैं जो कि ब्रिटिश के जो ब्रिटिश काल है उससे के समय के कई ऐसे पेड़ हैं जिनको अभी तक आगे बढ़ाया गया है और उनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाया गया है और भी इसके अलावा मुगल समय के भी ऐसे कई पेड़ हैं जिनकी प्रजातियों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने आप को ये काफी एक तरह से अगर हम कहें कि अमृत उद्यान की अपनी अलग ही खूबसूरती है और इसमें किसी की भी एंट्री जो है वो निःशुल्क रहती है और कई जो प्रेमी होते हैं उद्यान के प्रेमी उनको काफी लंबा इंतजार रहता है इस गार्डन के खुलने का, जिसको अब बिल्कुल देखिए अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो घूमने के शौकीन हैं और खूबसूरती का दीदार वो कर सकते हैं क्योंकि तारीख तय की गई है कि कब तक ये गार्डन खुला रहेगा। लेकिन नाम बदलने के पीछे हमेशा कोई ना कोई तर्क रहा है क्योंकि जब हम कर्तव्य पथ की बात करते हैं विनय, तो ये कहा जाता है कि जो गुलामी के समय जब देश रहा उस समय की जो निशानी है उसको खत्म किया जाए, चाहे वो नामों में क्यों ना हो, इसीलिए एक बदलाव हुआ किंग्स वे से राजपथ, फिर राजपथ से कर्तव्य पथ, लेकिन मुगल गार्डन का नाम बदला गया, इसको किस तर्क के साथ जोड़ के देखा जाए। लेकिन जिस तरह से सरकार पिछले कुछ समय से कई जगहों के नाम बदल चुकी है, चाहे वो कई किसी रोड का नाम हो या फिर किसी शहर का नाम हो, और सबके पीछे मकसद यही है कि सरकार चाह रही है कि गुलामी से जितने भी ऐसे तथ्य जुड़े हुए हैं जो कि याद दिलाते हैं कभी देश गुलाम रहा है, उन सबको बदलकर भारत को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है सरकार, चाहे उसी के तहत अब मुगल गार्डन का नाम भी बदला गया है। और इससे पहले जितने भी जगह की बात की जाए, जिस तरह से आपने कर्तव्य पथ का जिक्र किया और उसके अलावा लोक कल्याण मार्ग रखा गया जो कि पहले रेस कोर्स के रोड के नाम से जाना जाता था दिल्ली में, तो इस तरह के दिल्ली ही नहीं बल्कि जो कई अलग अलग राज्य हैं, कई जिले हैं, उनके भी नाम बदले गए हैं। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि नाम इसलिए बदले जा रहे हैं जो कि गुलामी की याद दिलाते हैं, गुलाम ये बताते हैं कि कभी देश गुलाम था, उन सबको बदलना चाह रही है सरकार और ऐसी कोई भी निशानी जिससे कि ये पता चलता है कि देश गुलाम था उसको सरकार हटाना चाह रही है और उसी के तहत मुगल गार्डन का नाम भी अमृत उद्यान रखा गया है। ठीक है विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, अब अमृत उद्यान होगा नाम और जो कि 31 जनवरी से खुला रहेगा और हालांकि इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।